नाज़रीन इकराम, आज मेरे लिए और मेरी इन माओं बहनों के लिए खुशी का दिन है। आज मैं मौजूद हूँ सिटी तौसा शरीफ के नवाही इलाके पुलकम्बर के साथ। एक बस्ती है जिसका नाम बस्ती छतानी है। ये वो बदनसीब बस्ती है, आज से 1.5 से 2 मंथ पहले इतना ज़्यादा सैलाब आया था जो कि पूरी की पूरी बस्ती को बहा ले गया। यहाँ इनकी जानें भी चली गईं, घर भी चले गए, जानवर भी चले गए, जो इनकी जमा पूंजी थी, जो इनके वसाइल थे, वो भी साथ बहा ले गया। सो ये अल्लाह पाक की तरफ से एक आजमाइश थी, क्योंकि अल्लाह पाक आजमाइश अपने प्यारों को देते हैं। आज इन लोगों के ऊपर वक्त है और आज इन हमारी माओं बहनों को हम सब की सपोर्ट की ज़रूरत है। ना ही इनके पास सर छुपाने के लिए छत है, ना ही इनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, ना शूज़ हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इनको थोड़ी बहुत इमदाद हुई है, लेकिन इनके पास प्रॉपर खुराक नहीं पहुँच रही, ना ही इनके पास कपड़े थे। सो मैं आप सब बहन भाइयों का तह दिल से मशकूर हूँ, जो आप बहन भाई इतना खूबसूरत दिल रखते हैं और इन हमारी माओ बहनों की परेशानियों को समझते हैं। इनकी परेशानियों को कम करने के लिए, इनके गम कम करने के लिए आप इनके लिए वसाइल पैदा करते हैं। जिस तरह आज हमारी एक प्यारी माँ जी हैं अमेरिका से, खैरुन्निशा, उनने जो है हमारी इन माओ बहनों के लिए 35 फैमिली के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह कलात का बंदोबस्त किया, जिनमें इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है न्यू कलात लिए हैं, जिनमें इनके एक फैमिली को हम एक एक सूट देंगे। एक सूट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, एक नंबर क्वालिटी के हमने अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े लिए हैं, जिसमें दुपट्टा भी है, कमीज़ भी है, शलवार भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अनसिले सूट हैं, ये देखें आप, ये 3 पीस में है। तो ये सूट अपनी इन माओ बहनों को देते हैं। सो मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद और ये इनको तकसीम करने का मकसद हरगिज़ शो आउट करना नहीं था, बल्कि आप लोगों तक एक पैगाम पहुंचाना था और आप इनके लिए हेल्प करने की कोशिश करें। सो मैं बेहद मशकूर हूँ अपनी माँ खैरुन्निशा, जो कि USA से हैं, अल्लाह पाक उनका देना कबूल करे, जिन्होंने जो है अपनी हक हलाल की कमाई से इन लोगों के लिए भेजा, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको कपड़ों की सूरत में जी इनको ये गिफ्ट दे रहे हैं। एक दो मिनट मैं अपनी इन माओ बहनों से बात करना चाहूँगा। अच्छा मेरी माएँ, मेरी बात सुनो, ये अल्लाह पाक की तरफ से आप पर आजमाइश है, इसको हम अजाब नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह पाक आजमाइश अपने प्यारों को देते हैं। आप इस बात पर शुक्र अदा करें कि इससे भी ज़्यादा आजमाइश आ सकती थी, महज ये तो सिर्फ एक सैलाब था, पानी था, इससे भी अल्लाह पाक हमें कोई बड़ी आजमाइश में डाल सकता था, लेकिन हमें चाहिए कि हम तौबा करें, अल्लाह से रजू करें और अल्लाह हमारी माफ़ी का इस तरह इंतज़ार करता है बहुत शिद्दत से। वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे दर पर आए और मुझसे जो है माफ़ी मांगे। सो हमें ना चाहिए कि हम अल्लाह से रजू करें, तौबा इस्तगफार करें और जो हमारे ऊपर मुसीबत आजमाइश है ये हमें इस पर सब्र करना चाहिए। इंशाल्लाह ये आज आपके ऊपर वक्त है, हम आप लोगों के साथ हैं, हमारे पास जितना तावन होगा हम अपनी माओ बहनों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। सो ये जो आप लोगों की लोग हेल्प कर रहे हैं, वो रिश्ते में आपके कुछ नहीं लगते, सिर्फ इंसानियत का एक नाता है आप लोगों के साथ, क्योंकि मुसलमान मुसलमान का भाई है। जिस तरह एक मुसलमान को दुनिया के किसी कोने में तकलीफ़ होती है, दूसरा मुसलमान बैठा और कोने में वो तकलीफ़ महसूस करता है। ठीक है, तो इस बार आप लोगों ने परेशान नहीं होना, गमगीन नहीं होना, अल्लाह से रजू करना है, ये अल्लाह पाक की तरफ से आप पर एक आजमाइश है, आपने परेशान नहीं होना और आपने हमारी उन माओ बहनों के लिए दुआएं करनी है जो रिश्ते में तो हमारे कुछ नहीं लगते, लेकिन इंसानियत की नाते वो हम सब की मदद कर रहे हैं, वो आप लोगों की आज आजमाइश में आप लोगों के साथ खड़े हैं और मदद कर रहे हैं। सो फर्स्ट हम अपनी उन माओ बहनों के लिए दुआ करवाते हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह आज हमारी